हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आई एम पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट कि वीडियोस रेगुलरली आप तक आ पाए। प्लीज़ थोड़ा सा लाइक शेयर कमेंट बढ़ा दीजिए। एंड सो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे मिस्टर DIY जो स्टोर है उसकी विजिट। सो वहाँ पे बेसिकली आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, हाउस होल्ड आइटम, जैसे हाउस होल्ड में पेचकस, प्लास, ये सारी ठीक करने की चीज़ें, या फिर कॉस्मेटिक आइटम्स, सो मेनी होम डेकोर आइटम्स, लाइट्स और बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी अच्छी सी चीज़ें, प्लांटर्स मिल जाते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के और बहुत सारी चीज़ें। सो पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने वो आउटलेट्स विजिट किए इसके एरिया मॉल का, जिसकी जिन दोनों की लोकेशन मैं आपको दिखा दूँगी। सो एरिया मॉल एंड सेक्टर 14 में जो नया खुला है मिस्टर DIY, सो वो दोनों मैंने विजिट किए हैं और मैंने क्या क्या दिया वो मैं आपको दिखाती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच। सो दिस क्लिपिंग इज़ फ्रॉम एरिया मॉल, लोकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो इस वाले अपार्टमेंट में आपको घर के सामान, ये स्क्रू ड्राइवर्स, पेचकस, प्लास, ये सारी चीज़ें, टेप्स जो ब्राउन वाली होती हैं, ग्लू गन्स, ये सारी मिल जाएंगी। मुझे लगता है एरिया मॉल में ज़्यादा सामान था एंड 14 प्रॉब्ली नया खुला है इसलिए कम सामान हो। ये छोटी छोटी मेरे हाथ के जितनी छोटी छोटी बॉटल्स थी, सो क्यूट भी थी और काम तो आती हैं, और इस तरीके से वेलवेट कवर वाली थी, मसाजर थे जो हाथ में लेके ऐसे सर पे लगाते हैं ना, एंड यू कैन सी वो आइस डाल के जिससे सेकते हैं वैसा भी था। इतनी सारी चीज़ें थी सोप्स रखने के लिए और किचन पे सामान रखने के लिए, बॉटल क्लीनर, ब्रशेज, ये आपको सामान दिख रहा होगा, ये ट्रेलरिंग का सामान था, यहाँ पे नीडल्स वगैरह, ये सब बास्केट्स थी, आप लॉन्ड्री बास्केट बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, प्लास्टिक बास्केट्स थी, कितनी सारी शेप है आपको दिख रहा है, आप इसमें फ्रूट्स रख सकते हो, आप इसे फ्रिज में रख सकते हो, कितनी सुंदर है, बाथरूम में रख सकते हो, ये आप लोग फ्रिज में भी रख सकते हो सामान स्टैक करने के लिए अगर आपका फ्रिज छोटा है, सामान नहीं आता है तो। एंड इतनी क्यूट क्यूट भी थी, अभी मैं आगे दिखाती हूँ, इसमें छोटे में आप ज्वेलरी रख सकते हो, इस छोटे में आप कुछ भी यू नो फ्लावर्स वगैरह रख सकते हो, ऑफिस वगैरह के लिए डस्टबिन होते हैं उस तरीके के हैं, बाल्टियाँ थी, डेफिनेटली मग्स थे, बहुत सारे मग्स थे, बहुत तरीके के, बहुत फाइबर में या सिरामिक में। यार ये रग्स इतने सुपर सॉफ्ट हैं और डिफरेंट शेप्स में मिलते हैं, ये नियॉन साइंस, मेकअप ब्रशेस, स्पंजेस, पेडिक्योर के ब्रशेस, नोज़ क्लेंजर्स, क्या नहीं था यहाँ पे, आपको ये इस तरीके के प्रेस ऑन नेल्स मिल जाएंगे, इस तरीके के बॉक्सेस मिल जाएंगे अगर आपको खुद से गिफ्ट्स डालने हैं या बहुत सारे हैम्पर बनाने हैं, कन्फेटी मिल जाएंगी, रिबन्स मिल जाएंगे जो गिफ्ट्स के ऊपर लगाते हैं, एक्रेलिक ट्रे कितनी सुंदर थी, डिस्पोजेबल है, यहाँ पे यू नो डॉग्स को फीड करने का सामान है, इस तरीके की ट्रेज हैं, सर्विंग ट्रेज, बहुत सारी बहुत सारी इस तरीके के मग्स हैं, ये फ़ाइबर के हैं, इसमें से एक मुझे पसंद आया था नॉट विदाउट माइंड कॉफ़ी वाला, इस तरीके वाला, तो ये फ़ाइबर के हैं, प्लास्टिक भी नहीं है बट सेरामिक भी नहीं, तो ये सब मैंने लिया है वहाँ से। ब्यूटी सिजर्स ली हैं, जैसे आपको आपके आईब्रोज वगैरह कट करने होते हैं ट्रिम करने के बाद, तो उसके लिए लिया है, काफ़ी पतले काफ़ी अच्छे, ये वुड यू बिलीव ये एक पेन है, येस, तो इसमें अगर आप इसे प्रेस करोगे तो ये पंच जो है ऐसे आके लगता है, मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से निकल जाता है, एंड दूसरी साइड पे पेन है, सो आई फाउंड इट वेरी नाइस, सो ये मैंने अपने ब्रदर के लिए लिया है। ये फ्रिज पे लगाने के लिए मैंने लाइट लिया, आप कहीं भी लगा सकते हो, मैग्नेट साइज पे आप किसी भी ऐसे सरफेस पे लगा सकते हो, मैं आगे आपको दिखाती हूँ कितनी लाइट देता है ये, एंड जस्ट 150 अराउंड का पड़ा था मुझे, ये सारे MRPs मैं आपको दिखा रही हूँ, सो कैन यू सी इसमें 3 सेल जाते हैं, कुछ इस तरीके का दिखता है। सो आप अभी मैं आपको दिखाती हूँ प्लांट पे लाइट मार के, ये सारी लाइट इसी की थी, बाहर बिल्कुल अंधेरा था, सो अगर कहीं आपको शूट करना पड़ जाता है रात वगैरह में तो उसके लिए भी मुझे लगा कि ये ठीक है। सो मैंने ये इस तरीके के बहुत क्यूट से ये बबल निकल रहे थे इसमें, मतलब नॉर्मल जैसे सैंड वाला होता है ना वैसा नहीं था, ये बबल्स निकल रहे थे, बहुत अच्छे लगे, मैंने बहुत सारे लिए और दोबारा जाके 14 सेक्टर से एक बार और लिया है। सो ये पिंक लिया था, इसमें इस तरीके का बियर है दोनों साइड पे, सो ये बबल से बनते हैं, पता नहीं बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ेदार लगा मुझे ये। सो प्राइसिंग आपको दिख गई होगी, मुझे ये प्राइसिंग जो है MRP है इससे कम में ही मिली है सारी चीज़ें। सो ये दूसरा वाला है, ये मैंने अपने लिए लिया है, कलर ब्लू, बहुत सूदिंग लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, और अभी आपको चला के दिखाती हूँ, ये जो बीच की व्हील है ना, ये इस तरीके से रोटेट करती है जब इस पर बबल्स आते हैं, काफ़ी काफ़ी प्यारा लगता है। सो इसका एक और मैंने येलो भी लिया है, बिकॉज मैं भाभी लाइक्ड इट अलॉट, सो उनको देने के लिए मैंने लिया है, बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा प्यारा लगा मुझे, लिटरली मज़ा आता है दिन में आप चलते फिरते इसको यू नो डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, एंड इसमें क्लाउड्स बने हैं, दैट इज़ मोर क्यूट। सो ये मैंने दो लिए हैं सैशे, 40 रुपीज़ का ईच था, बट मुझे 25 का ईच पड़ा, ये वेट वाइप्स है, कुकुम्बर और लेवेंडर वाली, मैंने यूज़ नहीं करी है, सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो कैसी है तो मैं यूज़ करके अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर।
सो इस तरीके का परफ्यूम सैशे है, सेंटेड सैशे है, ये कार में भी यूज़ कर सकते हो, वॉशरूम्स में भी लगा सकते हो, जस्ट 49 रुपीज़ का, इससे कम का ही पड़ा होगा मुझे लगता है। सो 20 ग्राम्स का सैशे है, इसे आप यूज़ कर सकते हो। ये छोटू सा प्लांटर है, ये मुझे एक चीज़ लगी जो काफ़ी महंगी पड़ी 107 की, और बिल्कुल नीचे से ना इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी ही नहीं थी, तो वो एक चीज़ मुझे ठीक नहीं लगी। बट आई वॉन्टेड समथिंग ग्रीन फॉर कहीं रखने के लिए, तो मैंने इसलिए ये ले लिया। सो अच्छा है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, पानी नहीं देना पड़ेगा, इंडोर रखना है तो उसके लिए। सो ये बाथरूम में लगाने के लिए शेल्फ़ लिया है मैंने, ये अराउंड 370 का पड़ा, काफ़ी स्पेशियस है। इफ़ यू वांट कि कैसा लग रहा है या कैसे लगाते हैं तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा दूँगी मैंने कैसे लगाया था, या इंस्टाग्राम पे भी मैं स्टोरी डाल दूँगी। सो नीचे कमेंट करना मत भूलना अगर आपको जानना है कि ये कैसा है, अगर आप भी रेंटल में रहते हो और ये लगाना चाहते हो। ये जैसे डोर के पीछे होता है ना कपड़े टांगने के लिए, उस पर्पज़ के लिए लिया है ये। आपको नेल्स भी मिलते हैं इसके साथ, जैसे एडहेसिव भी जाता है, बट कितना कारगर है नहीं है, कितना सामान ले लेता है वो मैं आपको बताऊंगी इंस्टाग्राम पे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।